मैं केवल एक प्रारंभिक जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद फिर डॉक्टर भार्गव बताएंगे। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। Yes, I think that's a good question. The question would depend on the efficacy of the vaccine, number one. And obviously, there is a range. Someone, it may be effective 60% in someone, 70% in someone else. So, efficacy is one issue. The second issue is that our purpose is to break the virus chain of virus transmission. So, if we are able to vaccinate a critical mass of people, and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. That is one point. The second point is the role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective and should continue to be used so as to help in breaking the chain of viral transmission. किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने वाले किसी भी वॉलेंटियर को सबसे पहले एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं। उस प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म में ये बताया जाता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल में आप भाग ले रहे हैं उसमें भाग लेने में कुछ एडवर्स इवेंट्स होने की संभावना है, वो एडवर्स इवेंट इस प्रकार के हो सकते हैं, यदि आप सहमत हों तो आप हस्ताक्षर करें और क्लिनिकल ट्रायल में भाग लें। दिस इज फैक्ट नंबर वन विच मोस्ट ऑफ अस चूज टू ओवरलुक, इसलिए मैंने ये आपके समक्ष रख दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये जो ट्रायल होते हैं वैक्सीन्स के या दवाओं के, ये मल्टी साइट मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं, यानी ये अनेकों अस्पतालों में किए जाते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मेडिकल केयर में वैक्सीनेशन दी जाती है और इनको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सो द क्लिनिकल ट्रायल्स आर मल्टी सेंट्रिक मल्टी साइट। प्रत्येक सेंटर में या प्रत्येक साइट में एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है। ये जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है ये वैक्सीन निर्माता से स्वतंत्र है, ये सरकार से भी स्वतंत्र है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी उस अस्पताल की है या उस साइट की है या उस सेंटर की है जहां ये क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। जब भी क्लिनिकल ट्रायल में कोई एडवर्स इवेंट होता है तो ये एथिक्स कमेटी भी उसको देखती है और उस पर अपना मंतव्य व्यक्त करती है, और उस एडवर्स इवेंट की सूचना अपने मंतव्य के साथ देश के रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को 30 दिन के भीतर देने का प्रावधान है।